मूवी के स्टार्ट में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक आदमी अपनी दो बेटियों के साथ आया होता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी बड़ी बेटी को डांट रहा होता है क्योंकि उसकी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी और कल वो अपने फ्रेंड के साथ घूम रही थी जो कि अच्छा लड़का नहीं था। इसके बाद ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन इस ट्रेन में आज कुछ ज्यादा ही लोग आए हुए थे और चारों तरफ लोग एक अजीब से वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये वायरस जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है, खास तौर पर छोटे जानवरों के लिए। इसके बाद यहीं पर हमें इस आदमी का नाम पता चलता है, इसका नाम सुख होता है, लेकिन सुख को ये वायरस वाली बात आम ही लगती है, इसीलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इग्नोर कर देता है। अब ये सब कुछ वहाँ पर चल ही रहा होता है कि तभी साइड वाले ट्रैक पर एक ट्रेन आ जाती है। तब इस ट्रेन को वहाँ पर देखकर ट्रेन का सारा स्टाफ हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें तो ये बताया गया था कि अगले 2 घंटे तक यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आएगी, लेकिन अनाउंसमेंट से पता चलता है कि एक इमरजेंसी होने की वजह से ये ट्रेन यहाँ पर आ गई है और ये इमरजेंसी खास भी है और सीक्रेट भी, लेकिन वहाँ पर कोई भी ये बात नहीं जानता था कि आखिर ये इमरजेंसी किस चीज की है, लेकिन इस बात से आम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिचुएशन को समझने के लिए गार्ड्स उस ट्रेन के पास जाते हैं, फिर वो उस ट्रेन को देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि उस ट्रेन में से खून निकल रहा था, साथ साथ इस ट्रेन के सारे पैसेंजर्स भी गायब थे। हालांकि यूजली इस ट्रेन में बहुत भीड़ हुआ करती थी, उधर पैसेंजर्स को इस खाली ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद वो दूसरी ट्रेन चल पड़ती है। अब यहाँ पर सुख अपनी बड़ी बेटी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो अपनी सीट को छोड़कर कहीं और जाकर बैठ गई थी। अब सुख को अपनी बेटी नजर आ जाती है जो एक आर्मी ऑफिसर के साथ बैठी होती है। अब सुख यहाँ पर आकर अपनी बेटी को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सुख की बेटी उसके साथ चलने के लिए इनकार कर देती है और कहती है कि आप कौन है, मैं तो आपको जानती तक नहीं। इट्स मीन यहाँ पर वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो उसे जानती ना हो, यानी जैसे वो उसके फादर ही ना हो और बस मिला वजह उसे परेशानी किया जा रही है। इसीलिए गार्ड्स सुख को पकड़ लेते हैं और उसे कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं, जहाँ पर एक गार्ड देखता है कि वहाँ पर एक आदमी पहले से ही बैठा हुआ है। असल में इस आदमी को चूहे खा रहे थे और जैसे ही गार्ड उस आदमी को टच करने की कोशिश करता है तो वो सारे चूहे उस गार्ड पर ही अटैक कर देते हैं। उधर ट्रेन में सारे पैसेंजर्स को ट्रेन की छत से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी और ये आवाजें चूहों की थी। तब उनमें से एक आदमी चूहों को भगाने के लिए अपनी स्टिक को एक वेंट पर मारता है, लेकिन जैसे वो ऐसा करता है वो वेंट टूट जाती है और इसके अंदर से थाउजेंड्स की तादाद में चूहे निकलकर बाहर आकर गिरते हैं और ये कोई आम चूहे नहीं होते बल्कि ये आम चूहों से 30% ज्यादा फास्ट होते हैं और साथ साथ खतरनाक भी, जो किसी भी इंसान को कुछ ही मिनट्स में खा जाए। अब ये सारे खतरनाक चूहे उन पैसेंजर्स पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि इस एक्सीडेंट के बारे में एक आदमी पहले ही जानता था क्योंकि वो जानता था कि पिछली ट्रेन में क्या हादसा हुआ था और उससे बचने के लिए ही वो इस ट्रेन में आया था। और जब उसे ये बात पता चलती है कि इस ट्रेन पर भी चूहों ने अटैक कर दिया है तो वो गार्ड्स की मदद से यहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ सुख को भी अपनी बेटियों के लिए फिक्र हो रही थी क्योंकि खुद तो वो कंपार्टमेंट में बंद था, इसीलिए सुख उस कंपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो फौरन अपनी बेटियों को बचाने के लिए भागता है। इसी दौरान सुख सभी पैसेंजर्स को अलर्ट करता है चूहों के बारे में कि उनसे बचकर रहा जाए क्योंकि अभी तक चूहे उस कंपार्टमेंट में नहीं आए थे और चूहों ने अब तक ट्रेन के पिछले वाले डब्बों पर ही अटैक किया था। अब इस कंपार्टमेंट में तो चूहों के बारे में कोई जानता ही नहीं था, इसीलिए कोई भी सुख की बात पर यकीन नहीं करता, जिसकी वजह से वो सभी लोग सुख पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे चूहे अटैक कर देते हैं जिससे उनकी ये हंसी मौत में बदल जाती है और जो लोग इसमें बच जाते हैं यानी जो सर्वाइवर्स होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। सभी लोग ट्रेन के आगे वाले हिस्से की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि वो हिस्सा अभी पूरी तरह से सेफ था। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जो सबसे पहले यहाँ से बचकर भाग रहा था, यानी जो पहले से ही इन चूहों के बारे में जानता था। असल में ये सभी आर्मी ऑफिसर्स का हेड होता है, वो सारे आर्मी ऑफिसर्स जो ट्रेन में बैठे होते हैं। अब यहाँ पर वो आर्मी हेड खुद गिल्जी का मुजाहिरा करता है, वो कहता है कि अगर मैंने बाकी पैसेंजर्स को बचाया तो मैं खुद मारा जाऊंगा, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो ये डिसाइड करता है कि ट्रेन के पीछे वाले कंपार्टमेंट्स को ट्रेन से अलग कर दिया जाए ताकि आगे का हिस्सा बिल्कुल सेफ रह सके। और अब ऐसा ही किया जाता है, ट्रेन के पिछले कंपार्टमेंट्स अलग कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़ के चूहों से बचते हुए अगले कंपार्टमेंट पर चले जाते हैं ताकि वो इन चूहों से बच सके। लेकिन आगे के बचे हुए पैसेंजर्स ये देखते हैं कि जिन लोगों पर भी इन चूहों ने अटैक किया है उन्हें एक अजीब तरह का इन्फेक्शन हो गया है और ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है। लेकिन तभी सुख कहता है कि इस इन्फेक्शन का बहुत अच्छा इलाज है, वो कहता है कि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कुछ स्टेशन के बाद एक ऐसा स्टेशन आएगा जहाँ पर एक हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में से हमें इस इन्फेक्शन की मेडिसिन मिल सकती है।
तब इस बात के लिए कुछ लोग तो मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि जो बचे हुए लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनको भी इन्फेक्शन हो जाए, और वो ये भी चाहते थे कि ट्रेन बगैर रुके बस चलती ही जाए, क्योंकि शायद वो जिस भी जगह पर रुके क्या पता वहाँ पर चूहों का हमला हो जाए। अब जो आर्मी का लीडर होता है उसे एक आदमी गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे ये फैसला होता है कि हॉस्पिटल में जाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले इन्फेक्टेड लोगों को एक अलग कंपार्टमेंट में बिठा दिया जाता है। अब कुछ स्टेशन के बाद वो स्टेशन आ ही जाता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में जाने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप बनता है, यानी जो लोग वहाँ से मेडिसिन लाएंगे, लेकिन उनके साथ सुख का जाना इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसे ही मेडिसिन के बारे में सारी नॉलेज थी। और जब भी लोग थोड़ी ही दूर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा सिटी ही डिस्ट्रॉय हो चुका है और हर तरफ बस डेड बॉडीज ही देखने को मिल रही है। और अभी लोग डेड बॉडीज के बीच से ही निकल कर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर ही लोग देखते हैं कि शेडो वाली जगह के नीचे थाउजेंड्स की तादाद में चूहे बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक भी चूहा धूप में बाहर नहीं निकल रहा था, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये चूहे धूप में बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इन्हें एक ऐसे रास्ते से गुजरना था जहाँ पर काफी अंधेरा था, तो इसीलिए ये ऐसे रास्ते से गुजरने लगते हैं जहाँ पर लगातार धूप आ रही होती है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर बादल सूरज पर आ जाते हैं, जिससे सूरज की रोशनी अब वहाँ पर नहीं आ पाती, जिससे बहुत सारे चूहे वहाँ पर आकर इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। अभी लोग उन चूहों से बचते बचाते उस हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इसी बीच उनके दो आदमी चूहों का शिकार हो जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि अपनी फैमिली के साथ यहीं पर छुपा हुआ था, साथ साथ उसके बेटे को एक चूहे ने काट लिया था। लेकिन सुख उस आदमी को बताता है कि इसका इलाज मेरे पास है, वो कहता है कि मेडिसिन के जरिए इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो इसीलिए वो आदमी उन लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर सारी मेडिसिन पड़ी हुई थी। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि असल में यही चूहों का घर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काउंटलेस चूहे होंगे, यानी थाउजेंड से भी ज्यादा, और अगर उन्होंने जरा सी भी आवाज पैदा की तो वो सारे चूहे इन पर अटैक करके इन्हें खा जाएंगे। उधर ट्रेन के अंदर सब लोग यही बात कह रहे होते हैं कि वो लोग जो मेडिसिन लेने गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। अब हमें वो कंपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सारे इन्फेक्टेड लोगों को रखा हुआ था, लेकिन तभी एक लेडी पिछले कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल देती है, जिससे वहाँ पर चूहे आ जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। हॉस्पिटल में सुख उस मेडिसिन तक पहुँच जाता है, वो काइंड ऑफ एंटीडोट था। तब सुख उन सारी मेडिसिन को एक बॉक्स में डाल देता है, लेकिन वापस जाते हुए उसके पाँव के नीचे एक कमजोर लकड़ी आ जाती है, जिससे वो वहाँ से गिरकर लटक जाता है। और अब सारे चूहों का ध्यान सुख पर आ जाता है। इसके बाद ये सारे लोग तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन चूहों की एक काफी बड़ी फौज इनके पीछे लग जाती है। लेकिन बाहर निकलकर इन्हें एक जीप मिलती है जिसमें बैठकर ये वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब ये लोग ट्रेन तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये बहुत सारे पैसेंजर्स की डेड बॉडीज को देखते हैं। ये वही लोग थे जिन पर चूहों ने अटैक करके उन्हें मार दिया था। लेकिन तभी यहाँ पर सुख की बेटी दरवाजा खोलती है। अब यहाँ पर सुख अपनी बेटियों को जिंदा और सही सलामत देखकर काफी खुश होता है, लेकिन इसी बीच फिर से बादल वहाँ पर आकर सूरज को ढकने लगते हैं, जिससे वहाँ पर लाइट कम हो जाती है और सारे चूहे इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, इसीलिए वो लोग ट्रेन स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक आदमी पीछे ही छूट जाता है जिस पर चूहे अटैक करके उसे मार देते हैं। इसके बाद उन सभी पैसेंजर्स को एंटीडोट दिया जाता है जो कि इन्फेक्टेड थे, लेकिन तभी ट्रेन को यहाँ पर रोकना पड़ता है क्योंकि आगे ट्रैक पर दूसरी ट्रेन गिरी होती है। तब वो सारे पैसेंजर्स मिलकर ट्रेन के उन डब्बों को हटाने की कोशिश करते हैं। उधर वो चूहे काफी तेज स्पीड से इनकी तरफ आ रहे होते हैं। इसी बीच एक आदमी खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है, वो अपनी पूरी बॉडी पर एक्सप्लोसिव बांध लेता है और उन चूहों के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही चूहों की काफी बड़ी तादाद उस पर चढ़ती है तो वो आदमी अपने एक्सप्लोजिव को ऑन कर लेता है, जिसकी वजह से एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर बहुत सारे चूहे मारे जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रैक यानी उनका रास्ता तो क्लियर था, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी और वो ये कि वो ट्रैक दूसरी तरफ चेंज हो रहा था, जहाँ आगे जाने पर एक काफी गहरी खाई थी। तब ट्रैक को चेंज करने के लिए सुख एक लीवर खींचता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सुख को वो लीवर दबा कर रखना पड़ेगा और वो ऐसा ही करता है, लीवर को दबाए रखता है, जिससे ट्रेन यहाँ से आगे निकल जाती है और सभी लोगों की जान बच जाती है। लेकिन सुख बेचारा पीछे ही छूट जाता है और वो ट्रेन पर चढ़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो ट्रेन नहीं पकड़ पाता। और यहाँ पर उसकी बेटियाँ उसे देख रही होती हैं और रो रही होती हैं, और वो रो रो कर कह रही होती हैं कि प्लीज ट्रेन को रोक दो, लेकिन उनके फादर कहते हैं कि ट्रेन को मत रोको। और यहाँ पर सुख हिम्मत हारते हुए रुक जाता है, जिसके बाद ट्रेन यहाँ से चली जाती है। और तब हजारों चूहे वहाँ पर आकर सुख पर अटैक कर देते हैं और इसीलिए सुख की मौत हो जाती है। और अब सुख की बेटियों के दिलों में बस अपने फादर की याद रह जाती है। लास्ट में सुख की बेटी को अपने फादर की बात याद आती है कि तुम्हें उस बुरे लड़के से दूर रहना चाहिए, यानी जिसके साथ तुम हमेशा घूमती फिरती हो। अपने फादर की बातें याद करके वो अपसेट हो जाती हैं और यहीं पर ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।